और अब बात बंगाल की करेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस नारे की गूंज दिल्ली समेत पूरे भारत में गूंजी थी, वो नारा अब पश्चिम बंगाल में बड़ी शक्ल लेने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम में लगाने वाले नारे सियासी पार्टियों के लिए बेहद खास होते हैं। ये नारे कभी कभी न केवल जीत दिलाते हैं बल्कि पार्टी की पहचान भी बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा खूब गूंजा था। नारा था खेला होबे। ये नारा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। अब ये नारा एक नई पहचान लेने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस नारे को एक बड़े कार्यक्रम की शक्ल देने जा रही है। ममता सरकार ने प्रदेश में खेला होबे दिवस मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों ने खेला होबे को किया, इसलिए अब बंगाल में खेला हुए दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया। बीजेपी ने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विधान परिषद में गठन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। विधान परिषद के गठन के समर्थन के लिए मतदान हुआ, जिसका सदन में मौजूद 265 सदस्यों में से 196 ने समर्थन किया और 69 ने विरोध किया। बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि इसके जरिए ममता अपने हारे हुए उम्मीदवारों को MLC बनवाना चाहती है। हालांकि राज्य में विधान परिषद का गठन संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है, यानी पेच अभी फंसा हुआ है। मतलब साफ है कि विधानसभा परिषद का गठन केंद्र की मोदी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।